एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक हेयर ऑयल शेयर करूंगी जो विंटर सीजन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। तो रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ एक डीआईवाई हेयर ऑयल भी शेयर किया था। तो डीआईवाई हेयर ऑयल हर किसी के लिए बनाना पॉसिबल नहीं होता है टाइम के वजह से। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही एक सिंपल हेयर ऑयल शेयर करूंगी जो विंटर सीजन में आप यूज़ कर सकते हैं। तो विंटर में हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है हम लोग का और ड्राई भी हो जाता है। तो इसके लिए ये हेयर ऑयल बहुत ही इफेक्टिव है। आप इस हेयर ऑयल को बनाने में एक्चुअली ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और इस आपके हेयर में बहुत हेयर को स्मूथ कर देता है और बहुत अच्छा शाइन भी लाता है। इसलिए मैंने सोचा आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज का वीडियो ऐसा कोई प्लान वीडियो नहीं था, तो मैं इस हेयर ऑयल को अभी जस्ट यूज़ करने जा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी मैं इसको शेयर कर दूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और ये हेयर ऑयल भी आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव होगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में ही बेल आइकन मिलेगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए देखिए क्या है, कैसे करना है ये हेयर ऑयल और कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ पैरासूट 100% प्योर कोकोनट ऑयल। तो यहाँ पे मैं पैरासूट का कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हो और अपने लेंथ के हिसाब से उतना क्वांटिटी यूज़ करिए। तो कोकोनट ऑयल क्या होता है, फॉलिकल्स के अंदर जाके हेयर ग्रोथ को बढ़ाता है, आपके स्कैल्प के हेल्थ को मेंटेन करता है, आपके हेयर में शाइन और सॉफ्टनेस को भी लाता है और आपके हेयर में ब्रेकेज स्प्लिटेंस को भी प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होता है जो स्कैल्प में मसाज से आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे हेयर ग्रोथ में इंप्रूव होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैं कैस्टर ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो कैस्टर ऑयल बहुत थिक कंसिस्टेंसी होता है, इसलिए आप ज़्यादा यूज़ मत करिए। अब स्पून से यूज़ कर रहे हैं तो आप हाफ टेबल स्पून यूज़ करिए। नेक्स्ट यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ विटामिन ई कैप्सूल। विटामिन ई कैप्सूल से क्या होगा, आपकी डीप कंडीशनिंग करता है। डीप कंडीशनिंग करने से आपके बालों में शाइन को प्रोवाइड करेगा, इसलिए यहाँ पे मैं विटामिन ई कैप्सूल यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा हेयर ऑयल रेडी हो गया और आपने देखा कितना इजी प्रोसेस है इसको रेडी करना। बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको रेडी करने में और बहुत ही इफेक्टिव है आपके हेयर के लिए। आपका अगर बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर है तो ये हेयर को बहुत सॉफ्ट करता है, इवन हेयर के ड्राइनेस को भी बहुत ख़त्म कर देता है। अब मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखा रही हूँ, तो आप देखना मेरा हेयर कितना ज़्यादा ड्राई रहता है। तो पहले तो इससे भी ज़्यादा ड्राई था, अभी फिर भी थोड़ा नॉर्मल हुआ है आगे से। एक्चुअली मेरा हेयर कलर की वजह से भी थोड़ा हेयर ड्राई हो चुका था, तो अभी बहुत नॉर्मल हो चुका है आगे से। तो इसको मैं अपने हेयर में जस्ट इस ऑयल को यूज़ करने के लिए आपको कुछ नहीं, अपने फिंगर टिप्स यूज़ करके आप इसको अपने स्कैल्प पे अच्छे तरीके से लगा के हल्का हल्का मसाज कर लेने से हो जाएगा, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो मैं अपने स्कैल्प पे यूज़ करूँगी इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको अपना फिंगर टिप्स पे ले लें ऑयल को, जस्ट इस तरीके से लेके इस तरह हल्के हल्के हाथ से आपको मसाज करना है। तो ये क्या होगा, आपके स्कैल्प के अंदर अंदर हेयर में अच्छे तरीके से ऑयल लग जाएगा। और आपको अगर स्प्लिटेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है हेयर के एंड्स में, स्प्लिटेंट्स जो होता है तो वहाँ पे अगर प्रॉब्लम है तो उस तरीके से हाथ में लेके जब ज़्यादा
इस तरीके से खींचना नहीं है, हल्का हल्का हाथ से इस तरीके से हल्का 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 करके अच्छे तरीके से लगा लीजिए। तो यहाँ पे मैंने अपने पूरे हेयर पे अच्छे तरीके से ऑयल लगा लिया। अब मैं इसको मिनिमम 1 घंटा ऐसे ही रखूँगी हेयर ऑयल को। हल्के तरीके से इसको क्लचर भी लगा लूँगी। इसको इस तरीके से 1 घंटा रखूँगी और उसके बाद मैं शैम्पू कर लूँगी। तो आप इस हेयर ऑयल को नाइट टाइम पे भी यूज़ कर सकते हैं। नाइट टाइम पे ओवरनाइट इसको छोड़ दे लगा के फिर। और जिनको थोड़ा ऑयल लगाना नहीं ज़्यादा पसंद है तो वो आपको जब शैम्पू करना है उससे 1 या 2 घंटा पहले इस हेयर ऑयल को लगा के आप छोड़ दीजिए अच्छे तरीके से मसाज करके फिर शैम्पू कर लीजिए। तो आपको ओवरनाइट तक ऑयल को रखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन ओवरनाइट भी अगर आप रखेंगे तो इफ़ेक्टिव है। अगर आप नहीं भी रखना चाहते तो आप इसको 2 घंटे पहले लगा लीजिए तो भी ये अच्छा आपके हेयर को अच्छा तरीके से ड्राइनेस को दूर कर देता है। तो यहाँ पे हो गया। अब मैं इसको 1 घंटे तक रखूँगी। आफ्टर दैट मैं इसको वॉश कर दूँगी। उसके बाद मैं आपको हेयर दिखाऊँगी कितना हेयर में चेंजेस आया। तो फर्स्ट टाइम आपको हल्का सा चेंजेस आपको फर्स्ट टाइम यूज़ के बाद ही आपको दिख जाएगा। और आफ्टर दैट अगर आप हफ्ते में 2 बार करके इस ऑयल को यूज़ करिएगा उसके बाद शैम्पू करिएगा तो आपका हेयर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस तो दूर हो जाएगा और बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस ऑयल को ज़रूर यूज़ करिएगा। और यहाँ पे कर लिया है मैंने शैम्पू। और शैम्पू करने के बाद मैंने कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ दिया था हेयर ड्राई होने के लिए हल्का हल्का। और हेयर हल्का ड्राई हो गया। उसके बाद मैं कोम करूँगी। तो कोम आपको नीचे से स्टार्ट करना है। यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट मत करिए। इससे क्या होता है हेयर बहुत ज़्यादा टूटता है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी हेयर को कोम करना। और नीचे से हल्का हल्का पूरा अच्छे तरीके से कोम नहीं करना, धीरे धीरे हल्का हल्का कोम कर लीजिए। ऐसे कोम करने के बाद आफ्टर दैट मैं यहाँ पे सीरम यूज़ करूँगी। या तो मैं इस सीरम यूज़ करूँगी स्ट्रिक्स का वॉलनट ऑयल सीरम। तो इस सीरम को मैं हमेशा हेयर पे यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छा सीरम है। तो इसको जस्ट लेना है और इसको अच्छे तरीके से हेयर में अप्लाई कर लूँगी। अपने हेयर सीरम को अच्छी तरीके से इसको ऐसे ही अप्लाई करके छोड़ दूंगी। और मैं बिल्कुल भी विंटर में बिल्कुल भी ब्लो ड्राई नहीं करती हूँ। इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि हेयर तो एक तो ड्राई हेयर हो जाता है और दूसरा डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए विंटर में ब्लो ड्राई बिल्कुल मत करिए। हेयर शैम्पू करने के बाद इसको ऐसे ही खुला रहने दीजिए। ये धीरे धीरे अपने आप ड्राई हो जाएगा। ब्लो ड्राई करने से क्या होता है धीरे धीरे हेयर का कंडीशन और भी ख़राब हो जाएगा और ड्राइनेस बढ़ जाएगा हेयर में। तो ब्लो ड्राई में बिल्कुल भी नहीं करती हूँ और इसको ऐसे ही रखती हूँ। तो ये रेमेडी जो है DIY ऑयल जो है बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा काम करता है। मेरा हेयर में तो बहुत अच्छा वर्क किया। मैं ऑलमोस्ट इसको 3 या 4 मंथ्स यूज़ करी और मेरा हेयर काफ़ी ज़्यादा हेयर में चेंजेस आया। तो आपका भी अगर बहुत ड्राई हेयर है तो प्लीज़ ट्राई करिए। देखिएगा आपके हेयर में बहुत ड्राइनेस बिल्कुल चला जाएगा। इवन हेयर ग्रोथ भी बढ़ता है और हेयर फॉल भी काफ़ी कम हो जाता है जिससे हेयर फॉल नहीं होता ज़्यादा। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए भी हेल्पफुल रहा होगा। दिस बहुत ही सिंपल एक ऑयल है जो आपके हेयर में काफ़ी चेंजेस लाएगा, काफ़ी शाइन भी लाता है। तो जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। टिल देन बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट।